नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने एक कार में आग लगा दी थी। फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी की घर के बाहर खड़ी कार में एक बदमाश ने आग लगाकर फरार हो गया है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज कॉलोनी के लोगों को दिखाया। फुटेज देखने के बाद पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम अजय कृष्ण बाग कॉलोनी का रहने वाला है। आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के चलते उसने घटना को अंजाम दिया था। कार का एक कार में अज्ञात व्यक्ति ने कार में आग लगा दी गई थी और फिर पुलिस ने उसकी सीसीटीवी फुटेज आसपास में खंगाला था। उस व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें जैसे तो मुंह ढका था, फिर उसको वहीं के कॉलोनी के लोगों को दिखाया गया। वहाँ के लोगों ने देख के बताया कि ये फला व्यक्ति है, फिर उसकी घेराबंदी करके पकड़ा। उसका नाम है अजय पिता भगवान सिंह और ये कृष्णबाग कॉलोनी का रहने वाला है। सर क्यों लगाई थी आग? उससे पूछताछ उसने बताया कि पुराना हमारा आपस थोड़ा सा विवाद था, इस कारण जो उसने सीधा तो उससे कुछ कर नहीं पाया, झगड़ा वगड़ा उसने जो है बदला लेने के लिए कार में आग लगा दी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।